हमारी धरती को रोशनी देने वाला सूर्य, ये धधकता तारा हर किसी के लिए अब तक रहस्य ही है। सूर्य पर होने वाली गतिविधियां हमेशा वैज्ञानिकों को डराती रही हैं। अब फिर ऐसा ही डर वैज्ञानिकों के मन में समाया है। वजह है सूर्य पर आने वाला महातूफान। सूर्य पर हर 11 साल में उठने वाले सौर तूफानों का चक्र फिर शुरू होने जा रहा है। इससे निकलने वाली असीम ऊर्जा धरती के संचार तंत्र से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेसक्राफ्ट को खतरे में डाल सकती हैं। आशंका है कि इस बार सूर्य विध्वंसक तूफानों और सन स्पॉट का रिकॉर्ड बना सकता है। धरती पर आज से करीब 500 साल पहले महाविनाशकारी सौर तूफान आया था। इसके कारण उत्तरी आसमान में 3 रातों तक आग का ही नज़ारा था। आशंका जताई जा रही है कि इस बार सौर तूफान के धरती के टकराने पर खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। पावर ग्रिड और सैटेलाइट बंद हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये सौर तूफान और ये कब आने वाला है। सूर्य हमारे सौर मंडल का मध्यम आकार का तारा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 10 लाख मील व्यास क्षेत्र में धधकती आयोनित गैस का गोला है। सूर्य का आंतरिक हिस्सा बाहरी हिस्से से ज़्यादा बड़ा है। ये आंतरिक हिस्सा बाहर के मुकाबले ज़्यादा तेजी से घूमता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकेंड थर्मोन्यूक्लियर क्रियाएँ होती हैं। ये क्रियाएँ 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को करीब 59.6 करोड़ टन हीलियम में जला देती हैं। बची हुई 4 करोड़ टन गैस ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, जो धरती समेत सौर मंडल तक पहुंचती है। सूर्य लगातार ये काम करता रहता है। वैज्ञानिकों का आकलन है कि बीते 1 लाख साल से सूरज के ऊर्जा उत्पादन में बदलाव नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य पर विस्फोटक सौर लपटें लाखों हाइड्रोजन बमों से भी ज़्यादा विध्वंसक हो सकती हैं। कभी कभी ये लपटें सूर्य की बाहरी सतह के पूरे हिस्सों को अंतरिक्ष में धकेल देती हैं, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य पर हर 11 साल में रहस्यमयी सन स्पॉट का चक्र आता है। चक्र जब अपने चरम पर पहुँचता है तब विध्वंसक और सौर तूफान आने की ज़्यादा आशंका होती है। पिछले चक्र के दौरान चरम 2014 में आया था, तब सूर्य पर 101 सन स्पॉट दिखे थे। इस बार ये चरम स्थिति 2025 में बन सकती है। नासा के वैज्ञानिकों की एक समिति और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार 115 सन स्पॉट की संभावना जताई है, यानी इस बार खतरा पहले से ज्यादा हो सकता है। एक शोध के मुताबिक धरती पर सबसे खतरनाक सौर तूफान सन 1582 में आया था। धरती के उत्तरी आसमान में 3 रातों तक आग नजर आ रही थी। ऐसी घटनाएं जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों में भी नज़र आई थीं। हालांकि उस तूफान को लेकर बहुत प्रामाणिक जानकारी अब तक नहीं मिली है, परंतु 1959 में इस तरह का सबसे चर्चित तूफान आया था। बताया जाता है कि तब यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क तबाह हो गया था। साल 1989 में आए सौर तूफान ने कैनेडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे के लिए बिजली गुल कर दी थी। 2012 में भी धरती पर कोरोनल मास इजेक्शन का खतरा मंडराया था।
अब वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इस बार सौर तूफान से ज़्यादा खतरा हो सकता है। इससे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं, संचार और GPS प्रणाली ठप पड़ सकती है। ऐसा होने पर इंटरनेट से लेकर ATM मशीनें तक प्रभावित हो सकती हैं।